फिल्म बाहुबली के आप भी दीवाने होंगे और आप फिल्म और उससे जुड़े किरदारों के बारे में भी बहुत कुछ जानते होंगे। लेकिन हम आपको कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जिस पर शायद आपका ध्यान भी नहीं गया होगा। फिल्म में भल्लाल देव युद्ध के समय जिस रथ पर आते हैं वो अपने आप में बिल्कुल अलग है। इस रथ में आगे चार ब्लेड लगे होते हैं और जो भी इस रथ के सामने आता है वो कट जाता है और उस इंसान के टुकड़े हो जाते हैं। फिल्म में यह रथ उस समय सामने आया था जब बाहुबली द बिगनंट में कालकेय से युद्ध होता है। लेकिन क्या आप इस रथ को चलाने के लिए एक मोटर की जरूरत थी? इस रथ को चलाने के लिए इंजन की जरूरत थी और इसमें रॉयल एनफील्ड के इंजन का इस्तेमाल किया गया था। एक इंटरव्यू में साबू सिरिल ने इस बात का खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि भल्लाल देव के रथ को पावर और स्पीड देनी थी और इसके लिए रथ में रॉयल एनफील्ड के इंजन का इस्तेमाल किया गया। इसका इस्तेमाल हमने बाहुबली रीमेक में भी किया था। साथ ही सिरिल ने बताया कि इस रथ में कार स्टीयरिंग और ड्राइवर दोनों थे। इसे तैयार करने में हमें बहुत मजा आया था। बता दें कि फिल्म बाहुबली में लड़ाई के समय दुश्मनों को मात देने के लिए भल्लाल देव अपने इसी रथ का इस्तेमाल करते हैं।